गुड मॉर्निंग एंड आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो आपका कुछ पुरानी यादें ताज़ा कराने के लिए मैंने क्या किया कि सेम शर्ट सेम डे को एक साल पहले जो शर्ट पहनी थी फिर से वही शर्ट जो मैंने आज पहन ली टी शर्ट यानी कि ये वाली आप देखोगे पिछले ब्लॉग में देखोगे सेम थी। पिछला जो ब्लॉग था आपने देखा था वहाँ पर था मिला। तो आज है हमारे गाँव में भंडारा तो पीर बाबा जी के जहाँ हमने फर्स्ट ब्लॉग शूट किया था वो आपको मिला नहीं सॉरी आई एम सो सॉरी वो आपको दिखा नहीं पाया। लेकिन अभी क्या कि भंडारा है तो अभी जा रहे हैं और आज देवांश का बर्थडे भी है तो वैसे तो मैंने विश कर दिया लेकिन अभी शाम को वैसे पता नहीं अभी पार्टी वगैरह अरेंज करते हैं या नहीं करते कुछ पक्का पता नहीं है। तो जैसे भी होगा तो आपको बता देंगे क्योंकि भंडारा है तो अभी फ़िलहाल चलते हैं। तो फिलहाल अभी 2 बज चुके हैं और धूप वगैरह भी काफ़ी है तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। बने रहिए ब्लॉग के साथ उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा। चलो पहले अभी माता टेक के आते हैं और फिर लंगर खाएंगे तो अभी माता टेक के आते हैं। बर्थडे बॉय बस हैप्पी बर्थडे थैंक यू। तो फिलहाल अभी माथा टेक लिया और ये जो मंदिर है एक तो ऊंचाई पे है जिसके कारण एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लाइक यहाँ पर हवा चलती रहती है और आसपास सभी जगह ट्रीज भी हैं तो पेड़ वगैरह होने के कारण काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हवा चलती रहती है। तो जो घर है वो थोड़ा ग्राउंड एरिया में तो इसके कारण वहाँ पेड़ वगैरह भी नहीं है और गर्मी वगैरह भी काफ़ी है लेकिन यहाँ के एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है तो बढ़िया लग रहा है यहाँ पर। पागल इंसान गाड़ी वाला कल पहले जाना है ना कल जाऊंगा कल जाना गा शाम को निकलेंगे 6-7 बजे मेरे भाई सेवा सुबह करा के परसों वापस भी जा रहे हैं लंगर खाने के लिए और खाना खा के फिर मिलते हैं। Hey guys, तो फ्रेंड्स अभी जा रहे हैं घर को वापस और खाना खाते हैं तो इसलिए भी घर चलते हैं यार। तो अभी 3 बजने वाले हैं तो घर चल के देखते हैं पार्टी वगैरह अरेंज करते हैं अगर hey, पॉसिबल हुआ तो। जन्मदिन फ्रेंड्स अभी 7:30 हो चुके हैं और मैं भी नहा के आया हूँ तो गर्मी वगैरह काफ़ी लग रही थी। फिलहाल अभी पार्टी का अरेंज ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन अभी कुछ थोड़ी सी बहुत तो पार्टी करें क्योंकि बच्चों का शौक होता है और अगर पार्टी ना करो तो बच्चे वैसे भी रूठ जाते हैं तो उनको मनाना भी मुश्किल हो जाता है तो इसलिए अभी पार्टी प्लान की है। तो आपको ये अभी इधर गुब्बारे वगैरह फैला रहे हैं और दादी जी से सब्जी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये है देवंश का स्कूल फ्रेंड नाम क्या तेरा नवजोत सिंह सिद्धू। तो गाइस कई बार मैंने नोटिस किया है तो रात को लोग करने के वक्त घर पे नॉर्मल लाइटिंग है तो ज़्यादा अच्छी लाइटिंग नहीं है जिसकी वजह से वीडियो क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं क्या कहते हैं इसे क्या कहते हैं सोच धीरा सोच तो मैं सोच रहा हूँ कि इमरजेंसी लाइट बनाऊँ तो देखते हैं कल अगर फ्री हुआ तो कल बनाएंगे। तो ये आ गया देवंश का बर्थडे केक खोलो। तो दादाजी भी आ गए और दादी भी इधर है
टॉक। माइया जी, ए माइया जी, ए माइया जी, जरा इधर तो देखिए, तू ही बैठ जाओ, थले थले बैठ जाओ, अदा मुंह दा दे नक मुंह ला दियो दे। तो फ्रेंड्स, अभी केक भी कट गया और सब में बट गया और अभी बारी है मेरे खाने की, तो मेरे को भी आ गया। तो पेटी वगैरह अरेंज किया था, ज़्यादा कुछ अरेंज नहीं किया, सोचा कि आपको बता ही देता हूँ ताकि आपके मुंह में पानी आए, आप तरसो इस चीज़ की। लाल अभी बट मैंने चली गया, देवंश के जो फ्रेंड है वो आया हुआ है और क्या कर रहा है, तो चावल खा रहा है या केक खा रहा है? वो केक में चटनी डाल के खा रहे हैं, देख क्या बात है। ये तो मैं याद ही भूल गया। फट देवाजा जशवी ऊपर फटाना ही। समझदार होगी गुड़ी। फूट गया। अंडे जैसे भी अंडे थोड़ी ना है। अच्छा भागी। फूट गया। अच्छा गया। तेरी लैंगू खत्म, खराब हो गई लैंगू। बाहुबली फोन पे लगा हुआ है। बाहुबली क्या है बच्चा? तेरे को लाइक का शो। तो फ्रेंड्स, अभी 9:30 हो चुके हैं और अभी खाना खाते हैं, तो भूख लगी है वैसे भी, तो केक वगैरह कट गया और सब में बट गया जैसे कि मैंने पहले बताया आपको। चलो अभी खाना खाते हैं। तो खाने में आज टिंडे की सब्जी और आलू प्याज की सब्जी बनाई थी। खाना खा के फ्री होते हैं और फिर ब्लॉग का एंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप शायद देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे, लेकिन ये देख रहे हो? नहीं, ज़्यादा ना चींटियाँ की तरह ना, ये छोटे छोटे टिड्डे वगैरह है। और ये सिर्फ यहीं पर ही नहीं, पूरे दीवार पे भी है और छत के पे भी है, उस लाइट के आसपास और इधर रसोई में भी, सभी जगह ना, यहाँ पर नीचे सभी जगह पे है। तो कल से ना पूरे मोहल्ले में यही हाल हुआ पड़ा है, मतलब कि सभी के घर में ऐसे टिड्डे वगैरह बहुत ज़्यादा है। और रास्ते में जो हमारे घर को जो रास्ता आता है उसके जो साइड पे दीवारें हैं, तो लोगों की घर की दीवारें हैं, तो वहाँ पर मतलब कि जहाँ भी ठंडी जगह मिल रही है वहाँ पर ये चिपके हुए हैं। जैसे कोई आर्मी की पलटन जा रही हो ना, तो वैसे ही चल रहे थे ये रास्ते में। और इतना शुक्र है कि ये काटते नहीं हैं, अदरवाइज अगर काटते होते ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आनी थी, क्योंकि सभी जगह पूरे घर में जहाँ जहाँ इनको मौका मिल रहा है चले जा रहे हैं। तो सभी जगह है, इधर रसोई में भी है, मम्मी के इधर खाना बना रहे हैं, उसके पास पास भी सभी जगह लाइट के आसपास। तो दिखाता हूँ आपको, ये देखिए सभी जगह बहुत ज़्यादा चींटियों की तरह हैं ये छोटे छोटे। तो दीवार पर भी देख सकते हो आप कितने ज़्यादा ना, तो बहुत ज़्यादा है इधर। तो देखते हैं, अगर स्प्रे का पॉसिबल हुआ तो हम स्प्रे करवा देंगे पूरे मोहल्ले में। तो फिलहाल अभी मैं करने जा रहा हूँ व्लॉग का एंड। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. ज़्यादा ही गया है ना। ओ यार, एक पुआ बेचो।